आज की इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। मैं जो भी आपको इस वीडियो में बताने या समझाने वाला हूँ, लोग इसके लिए पैसे लेके लोगों को कोर्स में ये सारी बातें बताते हैं, मैं आपको ये फ्री में बताऊंगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे जा रहा है। तो हाय, माय नेम इज राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सिस्टम पे, और सिस्टम पे जाके किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलते हैं और फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से चार्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और किस तरीके से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हमें देखना है, जिसके बारे बाद हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है या यहां से नीचे जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं चार्ट पे। ट्रेडर्स, ये देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये चार्ट बिल्कुल भी फ्री है। आप इस पे जाके कोई भी जो जाके इस पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देख सकता है कोई भी चार्ट, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं वो दो कैंडलस्टिक के बारे में जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं, और हम दो कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है, पहले का हैमर नाम है और दूसरे का शूटिंग स्टार नाम है। अब ये बहुत से नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि यार ये तो हैमर शूटिंग स्टार है, लेकिन जो इसके सीक्रेट है ना, मैं आपको इस वीडियो में वो चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, और बढ़िया है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता तो आप वेट करो, मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेजर चीजें बताऊंगा जिसके वजह से अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता ना, फिर भी आप उसकी मदद से हैमर को और शूटिंग स्टार को एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही कि बहुत कुछ इसमें बताने वाला हूं मैं आपको। तो चलो फिर मैं बताता हूं हैमर कैसे कहते हैं, हैमर किसे कहते हैं। देखो हैमर किस तरीके का दिखता है ना आपको, हैमर कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, इस तरीके का ग्रीन होता है, ग्रीन, मैं आप ये समझो, चलो मैं ग्रीन ही बना देता हूं। हैमर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, इस तरीके का हैमर दिखेगा आपको, इस तरीके का ये हैमर हो गया, ठीक है ये। और कुछ आपको जो शूटिंग स्टार होगा इसका सेम उल्टा दिखेगा आपको, शूटिंग स्टार कैसा दिखेगा, सेम उल्टा दिखेगा शूटिंग स्टार, इस तरीके का इसके अंदर भरे होंगे ये चीजें, इसके अंदर भरे होंगे, ठीक है ना, ये जो है ऐसे करके भरा होगा इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मतलब ये ऐसा ऐसा होगा ऐसा, और ये वाला ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है एक सेकेंड, ये ऐसा होगा, ठीक है ऐसा भरा होगा ये। तो इस तरीके का आपको शूटिंग, इस तरीके का आपको दिखेगा हैमर और इस तरीके का आपको दिखेगा शूटिंग स्टार। अब ये देखो हैमर, अगर आपको मार्केट नीचे आ रहा है, तब अगर हैमर दिखता है तब आप बाय करोगे तो ज्यादा चांस है, 90% चांस है कि वो ऊपर जाएगा। और शूटिंग स्टार, मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा, तब अगर बाय करोगे शूटिंग स्टार दिखेगा और तब आप इसके नीचे बाय करोगे तब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। अब हैमर और शूटिंग स्टार को बाय कब करना है, देखो क्या करना है ना, जब भी हैमर बने, ऐसा हैमर बना आपके सामने, ठीक है। अब हैमर का जब भी बनेगा तो आपको बाय करना है ऊपर साइड के लिए आपको, और जब भी शूटिंग स्टार बनेगा तो आपको बाय करना है किसके, नीचे साइड में, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं चार्ट पे किस तरीके का हैमर और शूटिंग स्टार बनता है। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट को जानते होंगे। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के हैमर और शूटिंग स्टार को देखेंगे, फिर उसके बाद हम विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हम हैमर और शूटिंग स्टार को ट्रेड करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब हम फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। अभी मार्केट आप देखो, अभी आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें एक हैमर देखना है तो हमें तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा भाई। तो ये देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से इस कंसोलिडेट को ब्रेक करके ऊपर गया। तो ये देखो एक ही लेवल है, कौन सा लेवल है ये, यहाँ पे जाके एक लेवल हमने बना लिया। क्या किया मार्केट ने यही किया ना, मार्केट ऊपर से गया रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देख लो जाके, तब अच्छे से समझ आएगा आपको। और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे आए और देखा कि आपने ये ब्रेकआउट हुआ एंड देन यहाँ पे बाय हुआ, तो ये आपके लिए एक पता चल गया कि भाई ये तो सपोर्ट, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट इसके ऊपर चला गया तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आपने ये सपोर्ट बना दिया और आगे इसको स्ट्रेच कर दिया, आगे इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया।
अब आपको पता है जहां से मार्केट घूमता है या फिर जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है उस लेवल पे अगर मार्केट आता है, जैसे कि इस वाले लेवल को ब्रेक किया दोबारा इस वाले लेवल पे आया, तो क्या हमें यही इस वाले लेवल पे देखना है क्या यहाँ पे हैमर बना है? हैमर क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है ना, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ रहा है तो नीचे हमें क्या देखना है? जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो क्या देखना है? हमें हैमर देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे क्या हैमर हमें दिख रहा है? ये देखो ये लेवल, आप बताओ क्या आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा है? ये लेवल पे हैमर दिख रहा है आपको? ये चीज़ पे हैमर दिखा है आपको? जरूर सर, ऑफ कोर्स दिखा, क्यों नहीं है हैमर? ये हैमर है ना, ये एक हैमर है, ये एक हैमर है। आप चलो इसको नहीं भी देखते, इसको देखते हो ना हैमर, तो आप क्या करते हैं सर यहाँ पे आपको क्या करना है? बाय करना है इस लेवल पे, इस लेवल पे बाय करना और इसी का स्टॉप लॉस लगाना है, इसका जो रजिस्ट सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आप यहां से देखो मार्केट आपके फेवर में गया। ये तो हमने बात कर ली हैमर की, अब हम बात कर लेते एक बार क्या शूटिंग स्टार दिख रहा है क्या हमें? तो चलो एक बार फिर से अब रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पे देखना पड़ेगा ना शूटिंग स्टार को। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट पे हमें हैमर देखना है और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे हमें शूटिंग स्टार देखना है, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो चलो रेजिस्टेंस बना लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखो आपको इस चीज़ें समझना पड़ेगा। अब देखो हमें देखना प्राइस कहाँ से घूमा है, तो प्राइस हमें पता चल रहा है कि यार प्राइस यहाँ से ना शार्प सेलिंग आई है, एक शार्प सेलिंग दूसरी शार्प सेलिंग, मतलब इस वाले लेवल से जो है ना पहली शार्प सेलिंग आई और दूसरी इतनी बड़ी सेलिंग आई, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स भरे पड़े हैं। तो हमने क्या किया सर, सिंपल से क्या किया हमने, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब रेजिस्टेंस बना दिया है ना, डिमांड जोन बना दिया और फिर उसको यहाँ तक हम गए, इसको हमने आगे तक कर दिया। सिंपल सी बात है, हमने इसको ऐसे करके बनाया, एक जोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे करके आगे कर दिया। अब इस लेवल से एक शार्प सेलिंग आई है तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे सेलर्स ना भरे पड़े हैं। अब ये जब भी इस लेवल पे कभी भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे सेलर्स तो पहले से ही भरे पड़े हैं, वो ये इस लेवल से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे ही करेंगे सेल ही करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चल चुका है। तब हम वेट कर रहे हैं इस लेवल पे, जैसे ही आया तो सर क्या हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखा क्या? देखो एक तो मैंने बताया था मार्केट जब ऊपर जाए तब हमें शूटिंग स्टार देखना है, तो क्या ये मार्केट ऊपर जा रहा है? बताओ जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है सर। तो कर सर क्या यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिखा? देखो सर यहाँ पे क्या शूटिंग स्टार हमें दिखा? जरूर दिखा भाई, ये शूटिंग स्टार ही तो है। देखो शूटिंग स्टार दिखा, एंड शूटिंग स्टार देखने के बाद आपने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे ऐसा लगाया और देखो यहाँ तक का टारगेट अब कितना नीचे गया, देखो कितना नीचे गया भाई। कितना लोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर कर रहे हो और इतना पॉइंट आपको मिल जाए ना, तो भाई एक दिन में आपका पैसा कम से कम 5 गुना हो गया, 5 से 10 गुना हो जाएगा एक दिन में, अगर इतना मूव कैप्चर कर लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो बस ये चीज़ें हैं, आपको समझ आ गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हमने समझ लिया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमें पता है तो सपोर्ट पे हमें क्या करना है? हैमर फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है? शूटिंग स्टार फाइंड आउट करना है। सर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता भाई, बहुत से लोग हैं जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता, एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना नहीं पाते, तब उनके लिए क्या है? तो देखो उनके लिए है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या है? सिंपल इंडिकेटर, मैं कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं बता रहा हूं, सिंपल इंडिकेटर जिसका नाम है वॉल्यूम, जिसका नाम है क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखते हुए हमें देखना है, मैं पहले वॉल्यूम यहां पे ऐड कर लेता हूं, फिर वॉल्यूम क्या होता है मैं बताता हूं। हमें यहां जाना है इंडिकेटर पे, यहां पे लिखना है हमें सिंपल VOLOUM वॉल्यूम, जैसे ही हम लिखेंगे सॉरी VOLUM वॉल्यूम जैसे ही लिखेंगे तो ये वॉल्यूम आ गया, इसको हमने क्या किया क्लिक करके ऐड कर लिया। अब ये वॉल्यूम ऐड हो चुका है, देखो यहाँ पे नीचे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब इसको डार्क कर लेना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके इस वाले लेवल पे क्या करना है, इसको डार्क करना है ना, तो हमें सबसे पहले इसको ऊपर करते हैं, इसको हम ऐसे करके डार्क कर लेते हैं, ओके कर लिया हमने, दैट्स इट। अब हम फिर से जाते हैं, मतलब सारे लेवल्स को करना है ना, रेड को भी हमें डार्क कर लेते हैं, रेड को भी डार्क कर लिया। सिंपल सी बात है, रेड को भी डार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम जाते हैं फिर से सेटिंग पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम जाके ये वॉल्यूम एम ए दिख रहा होगा आपको, मूविंग एवरेज जिसे बोलते हैं, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, यहाँ पे जाके हमने क्लिक कर दिया, सिंपल क्लिक कर दिया हमने और इसे ओके कर दिया सिंपल। अब ये 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है, 20 मूविंग एवरेज। तो हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम ये होता है कि उस कैंडल में
जो भी ये कैंडल है, जो भी मान लो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है हैमर, इसमें कितनी बाइंग हुई है, बाइंग कितनी हुई है, यहाँ पे क्या एक्चुअल ने बायर्स ने बाय किया है, भर के बाय किया है। जब एक्चुअल यहाँ पे इस वाले लेवल पे बायर्स जो है बाय करेंगे भर के, तो हमें पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे तो बायर्स ने भर के बाय किया है। इस वाले कैंडल में अगर हमें पता चल गया कि यार इस वाले कैंडल में बड़े लोगों का पैसा लगा है, HNI का पैसा लगा है, FII का पैसा लगा है, तो हम भी इसमें पैसा लगा लेंगे ना, बड़े बड़े पैसों के साथ। देखो मार्केट में हम क्या चीज़ें जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जाने की सोचते हैं ना, कि जिधर बड़े लोग जा रहे हैं, जिधर बड़े बड़ा पैसा जा रहा है उधर हमें जाना है बस। अगर बड़ा पैसा ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर जाना है, बड़ा पैसा अगर नीचे जा रहा है तो हमें नीचे जाना है, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें पता चल जाए कि इस वाले कैंडल में जो है बड़ा पैसा लगा है, तो हम भी इसमें अपना पैसा लगा लेंगे। तो ये चीज़ें पता कैसे चलेगी, वॉल्यूम से, कि वॉल्यूम में अगर देखो यहाँ पे वॉल्यूम में स्पाइक आएगा और कैंडल बनी है एकदम छोटी, मतलब कि देखो समझो यहाँ पे अच्छा आप बताओ कि क्या आप जब बड़े लोग पैसा लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या मैं पैसा लगा रहा हूँ, क्या आपको बताएंगे कि मैं पैसा लगा रहा हूँ? अगर आपको वो बता देंगे कि वो पैसा लगा रहे, तो आप भी तो पैसा लगा लोगे उनके साथ, तो वो इस चार्ट पे दिखाएंगे आपको, ये यहाँ पे कैंडल में दिखाएंगे आपको कि क्या बोलते हैं मैं पैसा लगा रहा हूँ? नहीं, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की सोचेंगे, आपको दिखाएंगे नीचे जाना है और जाएंगे वो ऊपर। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको, शार्प सेलिंग दिखा रहे हैं आपको, शार्प सेलिंग, यार मेरे को तो नीचे जाना है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेलर्स, देखो कितना 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 कम सेल किया है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ ऊपर क्या दिखा रहे हैं, चार्ट पे क्या दिखा रहे हैं, जो 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 भी वॉल्यूम नहीं देखेगा वो क्या बोलेगा, अबे यार ये तो बात सही बोल रहा है यार, चार्ट तो सही बोल रहा है, ये तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन सर ये देखो ना, वॉल्यूम देखो ना, यहाँ पे तो आपको ट्रैप कर रहा है ना, आपको वो दिखा रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनाई, जो लोगों को लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखो नीचे देखो कितना ज्यादा बाइंग है, देखो इसी सेम कैंडल के नीचे देखो कितना ज्यादा इस कैंडल में बाइंग हो रखी है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते तो ज्यादा ऊपर जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, अब ये देखो किस तरीके का हम फाइंड आउट कर सकते हैं शूटिंग स्टार को और हैमर को। तो ये आपके सामने एक मूविंग एवरेज जा रहा है, जो कि हमने प्लॉट किया था, मूविंग एवरेज एक लाइन ब्लैक कलर की जा रही है। जब भी हैमर बने, अरे यार सॉरी एक सेकेंड रुको, तो जब भी क्या बने, जब भी सर हैमर बने, जब भी हैमर बने, हैमर जब भी ग्रीन कलर का बने, और ग्रीन कलर का जो भी वॉल्यूम है ये इस वाले लाइन को जो 920 EMA है इसको कट करके थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हैमर बन रहा है, हैमर बांध लो, हैमर बना, हैमर इजीली बना, हैमर यहाँ पे हैमर बना, और ये जो बाय जो इसके सेम नीचे वाली वॉल्यूम है इसने 20 EMA को कट कर दिया, 20 EMA को कट करके ऊपर क्लोज हो गया, आपको सीधा यहाँ बाय करना है और उसी हैमर का एसएल लगाना और देखना बूम जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को, उसी हैमर का जब ये वाला वॉल्यूम जो है ना ये इसको कट करना चाहिए 20 EMA को और यहाँ पे हैमर बनना चाहिए तब। अगर आपको नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक कर लो। अगर शूटिंग स्टार ऊपर बन रहा है, क्या बन रहा है ऊपर, शूटिंग स्टार बन रहा है सर, क्या बन रहा है सर ऊपर, शूटिंग स्टार बना, और शूटिंग स्टार बना और सेम कैंडल, सेम ये रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, रेड कलर की कैंडल, सेम रेड कलर की जो कैंडल है वॉल्यूम है इसने 20 EMA को जो है ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर दिया, ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो आपको सीधा शॉर्ट करना है एंड सीधा यहां तक का ऐसा लगाना है और यहां तक का नीचे जाना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए आपको 90% चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा, 90% चांस है, 80 से 90% चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा। मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, लोग पैसे लेके इस चीज़ों को बताते हैं भाई, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इम्प्लीमेंट करना। अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इस चीज़ को समझोगे नहीं और फिर आप चले जाओगे। तो अब एक बार मैं आपको एक बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो सर क्या है, अब मार्केट में क्या हो रहा है, देखो अब मार्केट यहाँ पे है, मार्केट सर देखो यहाँ पे है, आप देखो कहीं पे भी देख लो आप, यहाँ पे क्या आपको ये हैमर दिख रहा है क्या, आपको क्या शूटिंग स्टार दिख रहा है आपको? मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट क्या जा रहा है, यहाँ से आया मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस है, क्या ये रेजिस्टेंस है? अब रेजिस्टेंस वालों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा, जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पता होगा वो भी तो यहाँ पे हैमर देख क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार देख के सेल करेंगे ना,
यहाँ पे सेल करेंगे ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको देखा होगा वो देख के सेल करेंगे। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, आपने क्या देखा इस सेम कैंडल के नीचे क्या जो रेड कैंडल है उसने 20 ईएमए को कट कर दिया, तो सर ये तो कट कर दिया, तो दैट सिंपल। यहाँ पे बाय करो, यहाँ तक का एसएल लगाओ और देखो मार्केट ऊपर गया और देखो कितना नीचे गया भाई साहब, समझो। अब बात कर लेते क्या एक और कोई कैंडल बिख रही है क्या, हमें हैमर दिख रहा है क्या सर? अच्छा ये देखो एक एक चीज देखो, अब सिर्फ सही सही नहीं देखते, अभी देखो क्या ये आपको सामने हैमर दिखा क्या, किसी भी हैमर को ट्रेड करना है? नहीं सर, क्या इसने सेम कैंडल ने इस 20 ईएमए को ब्रेक किया है क्या? देखो ना इस सेम वॉल्यूम ने 20 ईएमए को ब्रेक किया है, नहीं किया, तो जब ब्रेक नहीं किया तो क्यों हमें घुसना? अगर हम घुस भी जाते ना तो देखो आ गया एसएल हिट कर दिया, देखो एसएल हिट हो गया, तो ये चीजें नहीं करनी है हमें, हमें देखना है कि कहाँ पे जो है शूटिंग स्टार दबा के अच्छे से बना है तब हमें शूटिंग स्टार को ट्रेड करना है अर्थात बाय करना। अब ये देखो यहाँ पे क्या सुपर बाइंग हुई है, ये देखो क्या आपको आप देख पा रहे हो इस चीज को, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो ये हैमर बना सर, हमने शूटिंग स्टार देख लिया, अब ये देखो हैमर बना, क्या ये हैमर बना सर, क्या इसके नीचे जो सेम कैंडल है क्या ये देखो कितनी बाइंग, बड़ी बड़ी बाइंग हुई है यहाँ पे, कितने बायर्स ने यहाँ पे बाय किया है, क्या आप ये सोचते हो कि ये छोटी सी कैंडल जो कैंडल बनी है क्या हम और आप मिलके इसको इतनी बड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं, छोटा पैसा क्या 10-15 लाख या फिर 100 करोड़ लग के ये ऐसा बन सकता है क्या? ना, ये हजारों करोड़ लगते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनने में भाई, हजारों करोड़। तो जब देखो कितनी बाइंग हुई है और जब आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ तक का एसएल लगाया तो देखो यार कितना ऊपर गया। अगर मैं आपको ये ऊपर जाने का दिखाऊं ना तो जब आप समझ जाओगे ना कि 1000 करोड़ लगाए और इतना ऊपर, तो भाई लो ना यहाँ पे हैमर बना, आपने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे यहाँ तक का ऐसा लगाया था और यहाँ तक का ये इतनी ऊपर गई है भाई, इतनी ऊपर। मैं आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। तो ये देखा आपने, इस समझ लो, समझो इस बात को कि कितनी मतलब आपको बस बड़े पैसों के साथ जाना है। आप इसको चीज़ को जाओ चार्ट पे जाके, अपने चार्ट पे जाके इसे बैक टेस्टिंग करो, अगर रिजल्ट मिलता है तो उस पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो आप एक अच्छी एक्यूरेसी को बिल्ड कर पाते हो और आपका जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो एक अच्छे लेवल पे हो पाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। विद दिस थैंक यू सो मच।